अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। YouTube माय चैनल हैदराबादी रेसिपी बाय फरहाद। आप लोग सब खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और 4000 सब्सक्राइबर हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सब जने। सब्सक्राइबर करने से जितने ब्रदर सिस्टर भाइयों बहनों जितने भी लोग मेरे को यहाँ तक लेके चले, शुक्रिया आप लोग सब के लिए मैं दुआ करी अल्लाह। जितने भी सब्सक्राइबर बढ़ रहे, इंस्टाग्राम में बढ़ रहे, सब लोगों के लिए, नए भी करे उसे लोगों के लिए भी दुआ करी। मैं अब टाई बिस्किट बना रही। देखिए, मैदा, घी, मैं इतने आधी प्याली घी डाल के क्या करी, आधा किलो आटा डाल के भिगे हुए मैदा, नमक आधा चम्मच, आधा किलो मैदा, इसमें इतना पाव कटहरी देखो लेके मैदे को अच्छा सा भिगा के मैं 2-3 घंटे रख दी। देखे अच्छा है और टाई बिस्किट कैसा, पूरा मैं पूरे बेल लेके पूरे में रोटियों के सर का पूरा बेल लेना, पतले पतले पूरे। इसके चाहे तो आप लोग जीरा डाल ले सकते, अजवाइन डाल ले सकते, अपनी अपनी मर्जी की बात। टाई बिस्किट में मैं तो खाली नमक डाल के, नमक पारे कैसा बनाते हैं उस हिसाब से मैं भिगा लिए, मैं बना के बताती आपको, पूरा बेल लिए वहाँ से पूरा बताती। देखिए पूरे पूरे ऐसे, देखो चार, मैं 5 पीसेस बना, ये पूरे कट कर लिए साइज के, कट करके क्या करती है 5 ऐसे बेल लेती, पूरे पतले पतले पूरे से बेल लेती। बेल के पूरा मैं कैसा कट करना वो हिसाब से बताती है। अच्छे पतले पतले बेल लिए तो अपने को टाई को अच्छा था, मोटे मोटे बेल रहे तो ऐसा पतले ऐसे पूरे में 5 बना लेके बाखिर के पहले बताए वैसे मैं पूरे ये पूरे बेल लेती। उसके बाद ये पूरे 5 रख के कैसा मुड़ना क्या है मैं पूरा बताती। देखिए पूरा ऐसा घी लगा देना, मैं पिघला दी घी को, ये ऐसा लगा दे के क्या करना, फिर एक कपर इधर डाल लेना, फिर ऐसा फिर ऐसा घी लगाना, क्या खाए आप लोग लंच में अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं वो बाटल के बारे में कमेंट्स करे आप लोग, बाटल कैसा, सुबह नहर पेट मुंह धो लेके नहर पेट बरहल 2 घूंट ऐसा पी लेना, पिए सो 1 घंटे के बाद, 1.5-2 घंटे के बाद ज़रा वॉकिंग कर लेके नाश्ता करना। खाना हाजिमा होता, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी से। शिफा बाटल कैसा इस्तेमाल करना बोले तो बात बोल रही मैं आप लोग को, मैं पूरा 5 बेल ली, ये तीसरा, ऐसा फिर घी लगाना, देखिए पूरा फिर क्या करना है इसको ऐसा मोड़ लेना, फिर ऐसा मोड़ लेना, फिर क्या करना बोला था ऐसा, फिर ऐसा ऐसा पूरा इसको फिर बेलना, फिर 4 कोनी बेल के अपन जो कैसा आइटम्स कैसा कैसा पीस बनाना हो तरीके से कट कर लेना। ये पूरा मैं ऐसा बना दिया, अभी इसको बेलना है। अभी ये सेम 5 पीस ऐसी बेल के सेम ऐसी बना के रेडी रख लेना, इसको बेल है बस मैं काट के बता दूँ। देखा ऐसा काट करना है, साइज के हिसाब से जो ऐसा अब मैं काट दे रही। ये ऐसा ऐसा पूरे में पूरे पदर 5, 1, 2 ऐसा भी बना लो। मैं और एक टाइप का भी बना के बताती, ये ऐसा बिस्किट
टाई बिस्किट को कैसा बनाना बोले तो वो भी बताती। देखिए चार कोनी पीसेस काट लेके अपना ऐसा क्या करना है, एक जगह करके इसको टाई के सर का दबा देना, ऐसा चुन्नत चुन्नत अच्छे तो पूरा ऐसी बनाई। चार कोनी पीसेस कट कर लेना, कट करके ऐसा टाई के सर का बना लो हर डिजाइन, और छोटे छोटे गोल कटोरी के टाइप में ऐसा कट करके छोटे गोल पीस ऐसा बना लो, चार कोनी पीस बना लो, ऐसा भी बना लो अपना ऐसा। मैं ऐसा बनाई समझो चाय के साथ खाने के लिए, ठीक है। मैं तले से बता, पूरे तले जा रही है टाई। अपन चूरा चूरा ज़्यादा सा पतला बेल के अपन बनाते ना तो खाने नहीं आता, चूरा चूरा हो जाता। मैं ऐसे हिसाब से बनाई, देखे रहे दिख रहा, इधर भी खुल रहा इधर भी खुल रहा, ए परत अच्छा। और चाय में डुबा लेके खा सकते हैं, पूरा फुल रहे ए धीमी बत्ती पता ना जी आधा पत्ती पे नहीं था ना, अच्छा चाय में डुबा लेके खा सकते हैं, ठीक है। मैं पूरे तल दिए वैसे आप लोग को पूरे बता, चाय बन रही हाँ, क्या टेस्ट घी की बुआरी, देखो फुल रहे भी देखे, आधा चूरा हो गया तो नहीं खाने आता अपने को, इसलिए ऐसा बना के भी बता रही। टाई बिस्किट बन गए अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। देखिए परत परत आया, देखिए मैं बताती आपको, ये देख मैं पूरा पतला बेल के बना तो क्या होता चूरा चूरा हो जाता। मैं एक ऐसा करे तो अपने मुलायम मुँह में आता खाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टेस्टी है। अपन नमक पारे कैसा खाते ऐसा टेस्ट आ रहा टाई बिस्किट, देखे पूरा परत परत है, पूरा बारीक होके चूरा कड़क होना वाले तो अपने को थोड़ा पतले वाले। मैं मीडियम चाय के साथ खाने के हिसाब से पूरा परत परत आए अच्छे है। बहुत टेस्टी है चाय का टाइम। प्यारे बच्चे बच्चों के लिए मैं ये टाई बिस्किट चाय बनाए, आप लोग दूध में भी खा सकते हैं, बड़े जने थोड़ा सा चाय के टाइम थोड़ा चाय में भिगा के खा सकते, ठीक है। सब्सक्राइबर करिए, शेयर करिए, कैसा बनाए इसके कमेंट्स लिखिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, दुआ की गुजारिश।